हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को मेरा प्यार भार नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, मॉर्निंग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है। कोई मुझे पीछे से देख रहा है छुप छुप के, तो इसलिए मुझे घर धर धर को जा रहा है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा है, सुबह ब्रेकफास्ट चल रहा है 10 बजे से, लेकिन 11 बज चुके हैं अब और अभी तक ब्रेकफास्ट चल रहा है क्योंकि सबकी पसंद की चीज़ें बन रही है। किसी को अंडा ब्रेड चाहिए, किसी को पास्ता चाहिए, किसी को रोटी और भिंडी रोटी सब्जी चाहिए, तो उस तरह से बन चुका है। एक बना है अंडा ब्रेड, एक बना है पास्ता, एक बना है भिंडी की सब्जी और रोटी, और चाय तो चलती है ना। तो ये जो कल आई थी मेरी बहन, स्वीट सी क्यूट सी, मेरी चाचा की लड़की, और ये ऋतु कुमार में मैनेजर हैं। तो गाइज, ये गाइज, ये 35,000 का बैग लेके आई है अपने साथ। 35,000 गाइस, इतने में तो एक अंगूठी बना देती हूँ। बैग दिखा दो आप। बैग पूछो, इतने में तो मैं एक अंगूठी बना देती हूँ यार। तो मैं आपको दिखाऊंगी बैग कौन सा है 35,000 का। ये रहा 35,000 का बैग, ये कुछ भी नहीं है गाइस, इसमें कुछ भी नहीं है। ये अब ये 35,000 का है, मेन इसका यही होगा, मुझे लग रहा है जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये होगा। तो गाइस, ये बैग 35,000 का है, इसके अंदर एक क्लच है, गोली, अगर यही यही लेने जाएंगे ये 17,000 का है। बताओ, हम तो 200-200 रुपये में बहुत ले आते हैं बाजार से, है ना। तो ये मैनेजर साहब ठहरे, तो फिर इनका स्टैंडर्ड थोड़ी ऊँचा ठहरा, तो इसलिए है ना। तो मैनेजर साहब ने नाश्ता कर लिया है, और ये हमारी क्यूटी पाई जो है तैयार होने को तैयार नहीं, कह रही मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। ये प्रीति की बेटी है, जो बड़ी वाली बहन है मेरी, उसकी बेटी है, वो कपड़े चेंज करके आ गई है। देखो, वो अंदर चल रही है, उनकी चेंजिंग चल रही है, तो उनकी बेटी है ये मनुआ है। और आपको पास से दिखाती हूँ, देखो कितनी सुंदर है ये बैक कैमरे से। ओह माय गॉड, अब बिल्कुल मेकअप नहीं किया, मेकअप कभी करती नहीं, कितने सुंदर है ना। इस नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, किचन का आपको दिखाती हूँ, किचन का आपको दिखाती हूँ। किचन कुछ इस तरह से फैल चुका है, तो सारी चीज़ें बनेंगी तो फैलेगा ही ना, ये सब फैल चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, चिमनी भी बंद कर देती हूँ, चिमनी बंद कर देती हूँ। तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में, हम भी नाश्ता कर लेते हैं। ये जा रहे हैं, बाय बाय गाइस, जैसे हैं कि जैसे कल आए थे वैसी हैं दोनों, और ये थोड़ी चेंज हो गई है क्योंकि ऑफिस जा रही हूं मैं। थैंक यू, ये दोनों बदल गए, एक चीज आपका नहीं, एक चीज मेरे, देखो मैं लियो ब्लॉग में एक बार कपड़े। तो यहाँ पर हो रहा है बाय बाय वाला, अभी जाने लग गए हैं। कल से आए थे, बहुत अच्छा लग रहा था, अब बहुत बुरा लग रहा है, जाते टाइम बहुत बुरा लगता है। बाय मन्नाथ, हमारा मुहूर्त निकलेगा, हम तब आएंगे। बाहर निकलते ही गर्मी का एहसास हुआ है। हाँ यार, नहीं यार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुप रहे, धन्यवाद काहे का, धन्यवाद बहुत सेवा की। आए रहो, अब आप हमें सेवा का मौका दीजिए, हमारे घर आइए मनोरंजन के। हाँ ठीक है, और भैया का घर भी दिखा दिया जो हमने नहीं देखा था इतने साल से। थैंक यू सो मच, इतना इज्जत अफजाई के लिए। अब हमें क्या कहते हैं, सेवा का मौका दीजिए। सेवा का मौका तो बहुत जल्दी मिलने वाला है, बस बोल देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ आगे भी चुना गया जी, हाँ जी आप वहाँ पे आओ आओ। हाँ ये था, ये ठीक था, ठीक है, आराम जाना, ठीक है, बाय बाय, चप्पल देना बस। तो फ्रेंड, कोई भी जब मेहमान घर में आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, जब जाते हैं ना एक रात रुकने के बाद तो बहुत बुरा लगता है। तो और अगर मेहमानों में अपनी बहन हो फिर तो कुछ ज़्यादा ही लगता है। तो मेरी बहन आई थी, चाचा की बेटियां, तो बहुत अच्छा लगा, कल रात इतना एंजॉय किया, कल दिन से आई थी और रात में रही,
रात को हम लोग 2:30 बजे तक बैठे रहे थे बिस्तर में, बात करते रहे, गप वप लगाते रहे और ये बात करते रहे, कभी कुछ बात करते रहे। हमें बज गए 2:30 और 2:30 बजे तक, 2:30 बजे तक हम बैठ के बात करते, फिर 3 बजे नींद ही नहीं आई और फिर मतलब पूरा रात हमने मस्ती करी आपस में। और सुबह वो गए हैं 12 बजे, छोटी वाली बहन गई है ऑफिस, बड़ी वाली गई है अपने घर, वो लक्ष्मी नगर में रहती है यहीं पास में ही, तो वो अपने घर गए हैं। और बहुत बुरा लग रहा है, भरपूर ऐसा लग रहा, खाली खाली सुनसान सा लग रहा है, सुना सा लग रहा है, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। जब आने की खुशी कुछ अलग ही होती है, जाने की खुशी कुछ अलग ही होती है। और वो भी मेरी बहन, दोनों बहनों के लिए और मन्नत के लिए। जैसे ही हमारा लंच टाइम हुआ, लंच टाइम फिनिश हुआ, लंच किया हमने, ऐसी देखो कितनी तेज बारिश आ गई है, मस्त एकदम। जिसको शाम हुई और अब बरसात अभी चली रही है हल्की फुल्की, हम चल रहे हैं मार्केट के लिए। ये हमारी आज लास्ट फाइनल शॉपिंग चल रही है। कैसे चल रही है? लास्ट एंड फाइनल शॉपिंग चल रही है। तो आज फिर से हमें मार्केट जाना है शॉपिंग के लिए, थैला वैला लेके हम चल दिए हैं। तो बहुत बारिश भी हो रही है यार, रोड भी ख़राब है, बारिश में तो रोड ना भरी रहती है, पता नहीं चलता कहाँ पानी भरा है, कहाँ टूटा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो हम चलते हैं मार्केट की तरफ शॉपिंग के लिए। बूंदाबांदी हो रही है अभी। शॉपिंग हुई पूरी, किचन का काम हुआ शुरू। तो किचन में आज हमने दाल बना रहे हैं हलवा करेले, करेले कम हो गई थोड़ी सी और हलवा करेले, और इसकी बनी है वाइट वाली दाल। वो वाइट वाली दाल जो होती है उसका नाम नहीं पता मुझे, ये तो कन्फ्यूज हो जाती है, पता नहीं मूंग या फिर उड़द की दाल में कन्फ्यूज होती है, सफ़ेद वाली है। तो वो दाल बन रही है उसमें, और ये मसाला हो गया करेले के लिए। अभी मैं तो ये है इसका मसाला, सब बना दिया, सब तैयार कर दिया है और ये भून दिए हैं। दाल में चढ़ तड़का लगाएंगे और आटा में वो करके रख दिया है, वेटीरे में भिगा के रख दिया है। सब्जी का काम हुआ पूरा, तो लगभग पूरा हो गया है। और अभी तो मसाला भूनूंगी, मसाला पीसूंगी, भूनूंगी, अभी तो बहुत टाइम है। तो फिर देखती हूँ आपसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।